हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग सब? और मैं अभी शाम का खाना बनाने जा रही हूँ, क्योंकि तो दोपहर को नहीं खाए थे खाना। हम लोग कहीं बाहर गए थे, खरसिया गए थे, तो कुछ काम से। आप लोग को बताऊंगी बाद में, अभी नहीं बता सकती, दो तीन दिन बाद बताऊंगी कि गए थे हम लोग खरसिया। दो तीन दिन से लगातार हम लोग जा रहे हैं खरसिया, कुछ काम है, बहुत ज़रूरी है। और दोपहर को हम लोग गए थे, नाश्ता किए थे वहाँ होटल में, है ना। और इधर से घूम कर ला, तो दोपहर को नाश्ता किए थे होटल में, तो पेट नहीं भर रहा। हम लोग घर आए तो भूख लग रहा है, तो आज ही मैं जल्दी बना रही हूँ खाना यहाँ पर। और सब्जी बना रही हूँ मैं, कटहल की सब्जी बना रही हूँ आज, और दाल। और इसके पापा चले गए हैं ड्यूटी उसी टाइम, 3 बजे हम लोग वहाँ से आए, तो चाय वगैरह मैं पी ली हूँ। और अभी मैं बना रही हूँ जल्दी से सब्जी और दाल, फिर बनाऊँगी चावल, है ना, लास्ट में। चलिए मिलती हूँ आप लोग को आगे के ब्लॉग में, बने रहेगा मेरे ब्लॉग में। देखिए अब मैं कढ़ाई में डालने जा रही हूँ तेल, यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा डालूँगी, क्योंकि कटहल सब्जी है ना, अच्छे बनाना चाहती हूँ मैं आज अच्छी तरह से। अब साल में आज फर्स्ट बार खा रही हूँ इसी, मतलब अभी तो उसका सीजन आया हुआ है कटहल सब्जी खाने का, तो आज मैं मतलब बना रही हूँ कटहल सब्जी। इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, अच्छे से बनाओगे ना, भुजिया सूखा बनाओगे तो एकदम बेहतरीन लगती है खाने से। और जिस फल को जिस टाइम खाना चाहिए उसी टाइम खाओगे ना, तो उसका टेस्ट और अच्छा आने लगता है। और यहाँ पर देखिए मैं तेल में डाल दूँगी राइस, और डालूँगी मैं उसी के साथ सरसों जीरा डाल दूँगी, ये देखिए थोड़ा सा जी। और इसके बाद डालूँगी मैं प्याज कटा हुआ, आप लोग कैसे बनाते हो कटहल सब्जी कमेंट में ज़रूर बताना हमें। इसका रेट अभी बहुत ज़्यादा है, अभी चालू हुआ है ना बिकने का, तो 60 रुपये के जी लगा रहे हैं, काट कर दे रहे हैं सब्जी के साइज में काट कर, तो 60 रुपये के जी का है। और अगर गोला खरीदोगे तो इसका रेट मतलब कम होगा। अब इसके बाद मैं डालूँगी, इसको ब्राउन होने के बाद मैं डालूँगी, है ना, ब्राउन होने के बाद मैं डालूँगी कटहल सब्जी को। अब इसमें डाल रही हूँ मैं, देखिए कटहल सब्जी थोड़ा सा उबाल रही हूँ इसको, अब इसमें डालती हूँ मैं इसको। ढकूंगी नहीं क्योंकि उबाल रही हूँ हल्का सा, इसको पकने में देर लगती है ना, और इसलिए मैं थोड़ा सा पानी से उबाल रही हूँ, और उबालने के बाद इसका टेस्ट और अच्छा आएगा। और इसको मैं तल दूँगी बिना ढके, ढकूंगी तो और ज़्यादा पक जाएगा ये, है ना, तो ज़्यादा पका हुआ अच्छा नहीं लगता। और इसे इसी तरह मैं इसको रख दूँगी पानी में, ये देखिए इसको मैं चला लेती हूँ अच्छे से, लाल हो गई है पक कर, देखिए अब इसमें डालूंगी मैं छोटा सा काट कर रखी हूँ टमाटर, इसको डालूंगी इसके नीचे हिस्से में, देखिए यहाँ पर डाल दूँगी ऐसे, तो साथ नमक को भी डाल दूँगी, देखिए टमाटर हुआ कि नहीं, फिर अब इसमें डालूंगी मैं मसाला, ऐड करूँगी पेस्ट वगैरह,
यहाँ पे इसका डालूंगी इसको आप लोग को बताती हूँ। और देखिए अच्छे से पक गया मेरा कटहल, और इसमें मैं डालूंगी ये देखिए पेस्ट है लहसुन अदरक का पेस्ट है, तो डालूंगी मैं। और देखिए इसको मैं पहले से मिक्स करती हूँ और डालूंगी इसके बीच में, आपको नहीं डालूंगी अच्छा पेस्ट डालूंगी इसमें। और डालूंगी अब मिर्ची पाउडर, देखिए थोड़ा तीखा बनाएंगे इसको मैं, तीखा खाने का मन हो रहा है मेरा आज। और इसमें डालूंगी मैं हल्दी पाउडर, देखिए हो रहा है। और एक करूँगी मैं मसाला एवरेस्ट मसाला, देखिए डाल दी। अब इसको मैं चला देती हूँ तेल से, देखिए कितना सुंदर कलर आ गया इसका, देखिए सब मैं रखते हैं। और ये देखिए मेरी कटहल की सब्जी बन गई है, देखिए कितनी सुंदर आ गई ये कलर इसका, है ना। मैं तो इसी तरीक़े से बनाती हूँ सिंपल कटहल सब्जी की रेसिपी, ऐसी है मेरी कटहल सब्जी मैं ऐसी बनाती हूँ, और आप लोग कैसे बनाते हो कमेंट में ज़रूर बताना मुझे, ठीक है। और यहाँ पर कटहल को मैं निकाल कर इस वाले छोटे कढ़ाई में रख देती हूँ, है ना। फिर इसको मैं इस बर्तन को साफ कर दूंगी इस बर्तन को, क्योंकि समय नहीं मिलती है, रात को लेट खाते हैं तो मतलब बर्तन रात को मुझे साफ करना अच्छा नहीं लगता लगता है, लेकिन ना कभी कभी मन नहीं लगती बर्तन धोने की रात को, तो इसीलिए मैं अभी ना मूड अच्छा है तो मैं इसको निकाल कर इसमें रख देती हूँ। और इसको मैं जो गंदा हुआ है कढ़ाई है कुकर उसको मैं साफ करके ले आऊँगी, ठीक है। इसमें मैं निकाल कर रख दूँगी, मैं देखिए मैं सब्जी भिजवाऊँगी बुआ के पास, बोली है कि मेरे लिए भी भिजवाना पड़ेगा, उसके लिए मैं भिजवाऊँगी सब्जी को। मैं निकाल कर इसमें रख दूँ कढ़ाई में, ये देखिए कितना सुंदर दिख रहा है ना चिकन की तरह। अब मैं इसको अब खाली कर ऊपर को निकाल कर रख दूँगी, ये देखिए दाल थोड़ा सी ही बनाते हैं हम लोग, दो जने हैं तो ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक कप दाल हो जाता है हम दोनों को, और सुबह के लिए भी बच जाता है बाबू के लिए। इसको मैं अब ढक कर रख देती हूँ, देखिए कटहल दाल यहाँ पर हो गया किनारे में। अब मैं चलती हूँ बर्तन मांजने के लिए, देखिए इतना सारा देखिए इतना सारा बर्तन गंदा हुआ है, इसको अभी मैं धोकर ले आती हूँ टंकी से, ठीक है। फिर आपको मिलती हूँ मैं। देखिए हम बर्तन मांज कर ले आए हैं, ये देखिए हमारा चावल भी हो रहा है, ये देखिए हमारा चावल भी इधर पक रही है। और चावल पकने के बाद मैं बाबू को देखने जाऊंगी कहाँ पर वो खेल रहे हैं, तो है क्योंकि हाथ पैर को धोना है मुझे, बाहर वो खर्चिया से आए तो वैसे सो गया था वो लड़का। और देखिए मैं भी मुंह को धोई हूँ लेकिन कुछ नहीं लगाई हूँ, आज भूख लग रही थी ना तो जल्दी बना रही हूँ खाना है, खाना बनाने के बाद करूँगी कंघी वंगी, बाद सुबह को कंघी की थी अभी नहीं की हूँ, शाम को करूँगी, बाद में खाना बन जाएगी। तो और आज हम लोग गए थे खरसिया, तो मैं बता दूँ आप लोग को खरसिया गए थे तो मैं ना उसके पापा के मोबाइल से मोबाइल में कॉल करती रहती हूँ बीच बीच में कि कभी लग ना जाए, मुझे यकीन थी कि मतलब यकीन है अभी भी कि हम लोग को मोबाइल मिल जाए कह के, मुझे बहुत यकीन थी। और हम लोग आखिर में देखिए हम लोग को मोबाइल मतलब मिल ही गया, अभी लाए नहीं है घर, कॉल की ना तो मैं
मैं कॉल की ना तो अचानक लगाकर देखी तो लग गया, कॉल जाने लगा। और वो बेचारा का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो हम लोग के मोबाइल को चालू ऑन करके रखे हैं और कॉल भी उठाए, रिसीव किए, मोबाइल को देने के लिए तैयार। लेकिन वो भैया ना मतलब कुछ डिमांड के हैं हम लोग के पास कि आपको मोबाइल चाहिए तो ले जाइए, लेकिन मुझे भी थोड़ा बहुत पैसा वगैरह दे देना बोले। तो हम लोग बोले कि ठीक है भैया, आप मोबाइल तो दो पहले, उसके बाद हम लोग देंगे पैसा बोले। तो बहुत ज़्यादा बोल रहा है वो पैसा वो, तो अब जाएंगे परसों जाएंगे मोबाइल को लेने के लिए पैसा के साथ। पैसा भी नहीं है तो नहीं जा रहे हैं, या तो पैसा रहता तो आज ही चले जाते हम लोग। परसों अब जाएंगे हम लोग उसके पास मोबाइल को लाने के लिए, है ना, पैसा देकर लाएंगे उसको। मैं भी जाऊंगी, इसके पापा को बोल रही थी मुझे भी लेकर जाना, मैं भैया को बोलूंगा इतना पैसा हम लोग नहीं दे सकते हैं, अगर देना है मोबाइल को दे दीजिए बोलेंगे, और पैसा थोड़ा बहुत देंगे, ज़्यादा नहीं दे सकते हम लोग, बहुत ज़्यादा बोल रहा है वो। तो उतने से तो मोबाइल आ जाएगा हम लोग का, है ना। तो अगर पैसा उतना नहीं दे पाएंगे और नहीं देगा वो भैया ना, तो पूरा जितना भी मोबाइल में है ना वो सब चीज़ को हम ले लेंगे, फोटो वगैरह जो भी है उसको।